जय हिंद दोस्तों। तो नेवी यांत्रिक की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, इसका ए टू जेड पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आपका नेवी यांत्रिक में कितना पोस्ट है, कितना एज से मतलब बच्चे ले रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, मैट्रिक पास हो तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हो कि नहीं भर सकते, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, कितना एग्जाम फीस लगेगा दोस्तों, ठीक है, ये फॉर्म कब से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका भी सपना है इंडियन नेवी में यांत्रिक की जॉब करना तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें दोस्तों। जो आपका इंपॉर्टेंट है मैं भी वही बताने वाला हूँ, खाली फोकट में आपको चाटने वाला सिस्टम नहीं है मेरा, छोटा वीडियो रहेगा, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बाद बाकी इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके और भी इसकी पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट इसका क्या है तो देखिए, आइए नेविक यांत्रिक का जो भी है, और एक चीज मैं बता दूं, सिर्फ मेल कैंडिडेट ओनली फॉर बॉयज इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, गर्ल्स के लिए नहीं है। तो जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज स्किप करके चले जाएं, क्योंकि आपके लिए फॉर्म नहीं है, ये ओनली फॉर बॉयज के लिए है दोस्तों। आइए बात कर रहे थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यांत्रिक जनरल ड्यूटी का आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2, अगर आप 10+2 पास आउट हो मैथ एंड फिजिक्स में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका कोई भी एजुकेशन परसेंटेज नहीं मांगा गया है, ठीक है, नाविक जनरल ड्यूटी में खाली आपका 10+2 पास आउट हो मैथ एंड फिजिक्स से, ठीक है, तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जो इसका डोमेस्टिक ब्रांच का निकला हुआ है, अगर आप 10th पास हो तो आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यांत्रिक में आप क्या है 10th आप पास आउट हो, ठीक है, और उसके बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ है दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेलीकम्युनिकेशन में, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, यांत्रिक का, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अदर जो दिया हुआ है वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे इसका वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहां से एक बार देख लेना दोस्तों। फिर आपकी बात कर लेते हैं दोस्तों एज के बारे में, तो आपका एज 18 से लेकर 22 साल तक अगर हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के अंदर आप पैदा हुए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वैकेंसीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका नाविक जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी है वो टोटल 260 वैकेंसी है। ठीक है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की जो वैकेंसी है 35 वैकेंसी है, यांत्रिक मैकेनिकल की जो वैकेंसी है वो 13 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, नाविक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी है 5 वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होने वाला, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लोग शॉर्टलिस्ट करके बच्चों को बुलाएंगे, इनका एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम का क्या होने वाला पैटर्न, तो देखिए स्टेज वन स्टेज टू क्या है ये आपको नीचे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूं स्टेज वन क्या है। अगर आप नाविक डीवी के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों तो आपका स्टेज वन का एग्जाम होगा। ठीक है, अगर नाविक जीडी के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों तो स्टेज वन से लेकर स्टेज टू तक आपका एग्जाम होगा। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो दोस्तों तो आपका सिलेक्शन में स्टेज वन से लेकर स्टेज थ्री तक आपका एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, फिर आपका यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप फॉर्म भरते हो सेक्शन वन से लेकर सेक्शन फाइव तक आपका एग्जाम होगा दोस्तों। यांत्रिक मैकेनिकल में अगर आप फॉर्म भरते हो सेक्शन वन से लेकर सेक्शन फाइव तक आपका एग्जाम होगा। इसका और पूरा डिटेल है दोस्तों, ठीक है, आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप उसको डिटेल में पढ़ लेना दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो चीज मैं इस वीडियो में बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, इसका फिजिकल टेस्ट क्या होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं फिजिकल यूनिट टेस्ट में क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको 1600 मीटर का रनिंग होगा दोस्तों, टाइम मिलेगा आपको 7 मिनट का, आराम से आप दौड़ सकते हो, 20 आपको स्क्वाट मारना है उसमें, ठीक है, और 10 पुलअप्स मारना है, ये इसका फिजिकल है, ये इसका फिजिकल बस यही है। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सिलेक्ट हो जाते हो फिर दोस्तों आपका क्या होगा, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, आपका चिलिका में आपका क्या होगा मेडिकल होगा, इसका जो मेडिकल होने वाला है चिलिका में होगा। ठीक है, चिलिका ओडिशा हम लोग का अपना, ठीक है, यहाँ पे आपका होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, जिसका एप्लीकेशन अप्लाई का जो डेट है दोस्तों 4 जनवरी 2022 से लेके आपका 14 जनवरी 2022 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसका फॉर्म ऑनलाइन है दोस्तों, टोटली ऑनलाइन है। ठीक है, ज्वाइन द इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट में आप जाके इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका फीस के बारे में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 250 रुपया लगेगा इसका फीस फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोस्तों। आप अगर एससी एसटी ओबीसी से हो तो आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाला है, आप इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। और भी कुछ यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए उतना कुछ, ठीक है, यही इसका जो नॉर्मल था वैकेंसी के डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। इसको अगर पूरा आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा डिटेल में इस पीडीएफ का आप रीड कर सकते हो, जो चीज इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नाम है सौरभ मिश्रा, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वीडियो समाप्त।